जीवियर्स वेलकम बैक टू अर्ली मॉर्निंग. हम डिस्कस कर रहे हैं वाइटमिन्स और सर यहाँ पे कुछ हमें बता रहे थे, तो हम वापस सर की तरफ जाते हैं. जी सर, जैसे अभी आप ब्रेक पे थी, ब्रेक में एक कॉल आई थी, कॉलर ने पूछा था कुछ मल्टीवाइटमिन सिरप्स के बारे में कि वो इस्तेमाल कर रही हैं अपने बच्चों के लिए. देखिए, जितने भी मल्टीवाइटमिन सिरप्स हैं या जो भी प्रोडक्ट हैं मेडिसिन के, वो डेफिनेटली केमिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं. उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट डाल दिए जाते हैं, कुछ वो किया जाता है, और जिसकी वजह से मतलब उसके आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, फुलफ़िल कर रही होती है. मगर आप जब भी कोई चीज़ लेते हैं, आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ ले रही होती है, तो डेफिनेटली वो आपके पहले GI में एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद लीवर, जिसे फर्स्ट पासवे कहते हैं, वहाँ पे जाके केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके बाद वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होती है. डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक्सक्रेशन उसकी जो है किडनी के ज़रिए, मतलब खाया, जिगर पर किया, फिर किडनी के ज़रिए एक्सक्रेट हो. इसमें कितने ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए, आपका लीवर भी इन्वॉल्व हो गया, आपकी किडनी भी इन्वॉल्व हो गया, आपका GI भी, मतलब मैदा और ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं. तो जितने भी ये केमिकल्स होते हैं या जो भी, उनके एडवर्स इफेक्ट डेफिनेटली बॉडी के ऊपर पड़ सकते हैं. तो उसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप फ्रेश फ्रूट्स इस्तेमाल करें या वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, डेयरी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर लें जो कि मतलब ऑथेंटिक जगह से लेके आए, ऐसा ना हो कि उसमें भी कोई चीज़ मिक्स हुई हो. तो वो आपकी बॉडी को बहुत हद तक जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं. बदकिस्मती हम लोगों की या हमारे मुल्क की यह है कि हर चीज़ में मिलावट होने की वजह से जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं जो वाइटमिन्स की, जिसके ऊपर चीज़ों की मिलावट क्यों नहीं करते हम, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं और उसमें उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से. अब आप डेयरी प्रोडक्ट्स को ही उठा के देखते हैं, अगर डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध दही ये सब है, तो उसमें भी इस लेवल की और उस तरह की मिलावट हो रही है जो कि इंसान की बॉडी के ऊपर जो एडवर्स इफेक्ट डाल रहे होते हैं. आजकल आप देखते होंगे किडनी के डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो चुके हैं. वो खाली डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि मेडिसन्स जो कि इस तरह से माल प्रैक्टिस जो डॉक्टर्स कर रहे हैं या जो लोग हैं कि उठा के मेडिसन खाए जा रहे हैं, मल्टीविटामिन खाया, उन्होंने कहा कि इसका कोई एक बात नहीं. आपने मल्टीविटामिन का भी डिस्कस किया कि हम लोग रोज़ाना ही खा सकते हैं, तो थिंक इस देखिए जो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, वो उसकी ओवरडोजेस कभी भी नहीं होगी, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. व्हाट अबाउट द वन दैट आर फैट सॉल्युबल, जिनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है ओवरडोज पे, उसमें उनकी भी A, D और E की भी तो क्वांटिटी उनके अंदर होती है, तो इनका क्या किया है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसलिए कोई भी मेडिसिन आप खाएं, वो मेडिसिन ऑथेंटिक होनी चाहिए, जिसमें आपको ये पता हो कि क्वालिटी कंट्रोल है. कि उसके अंदर आपने देखा होगा कि उन्होंने कैलकुलेटेड डोजेज लिखी हुई हैं या उन्होंने लिखा हुआ है कि मेजरमेंट लिखी हुई है कि इसमें कितना है. वो उसी तरह से जो कि आपके बॉडी को डेली नीड है उसी के हिसाब से उन्होंने रखा हुआ होता है. क्योंकि फैट सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल जो वाइटमिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते हैं. ऐसा नहीं है कि उनकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा आप लेते चल जाएंगे, जैसे अब आजकल बेशुमार प्रिपरेशन आ रही हैं जो कि जिसमें उन्होंने लिख भी दिया होता है अंडर ड्रग एक्ट दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट एन एलोपैथिक ड्रग, बाकायदा तौर पर लिखा हुआ होता है, जो कि मतलब नुकसानदेह आप ये कह सकते हैं उसे स्लो पॉइजन हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारी मिनिस्ट्री का ये फ़र्ज बनता है कि उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखें. मगर ऐसा बैलेंस रखा हुआ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ या जो लोकल कंपनीज़ वाले हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसमें उन्हें खुद नहीं पता कि इसके अंदर क्या प्रोडक्ट है, क्या चीज़ मौजूद है, कितना वाइटमिन है, क्या है. वो मल्टी वाइटमिन और ख़ास एक्सपेंसिव वो होती हैं. लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के बाद अपने आप को फ़ख्र से कहते हैं कि मैंने तो वो वाली चीज़ इस्तेमाल की, ये इस्तेमाल की, तो ये सब नुकसानदेह. ऑथेंटिक लें जो कि बाकायदा तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो है अप्रूव्ड हो, वो प्रोडक्ट लें कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले. ये नहीं है कि गए मेडिकल स्टोर से जाके उन्होंने कहा कि जी कोई अच्छी मल्टीवाइटमिन दे दो, वो मेडिकल स्टोर वाला तो वही देगा जिसमें उसे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होगा. Exactly, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपके हाथ पैर वाइटामिनोसिस नहीं हो सकता. वाइटामिन ऐसी चीज़ नहीं है कि उठाए और आपने उठा के अचार या चटनी की तरह आपने खाना शुरू कर दिया और आपको कोई उसके इफेक्ट ये होता है. एक वाइटामिन A, D, E का एक कॉम्प्लेक्स पड़ा होता है, एक वो होता है, एक वाइटामिन BC का होता है, एक अलहदा से वो लिया जाता है, सी को अलहदा से लिया जाता है, कैल्शियम अलहदा घोल के पिया जाता है. ये मैंने लोगों की प्रैक्टिस में देखा है. खाना वो अच्छा नहीं खाते लेकिन ये चीज़ें उनकी सुबह नाश्ते में हो रही होती हैं साथ में, विच आई थिंक इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. क्योंकि जितनी चीज़ें हम नेचुरल लेंगे वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि हम इस फॉर्म मिले विच इज़ मोर केमिकल. और हमारे पास इसी बात पर कॉल है, अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहा है? मैं उस्मा बात कर रही हूँ कराची से. जी उस्मा, कैसी हैं आप? मेरी बेटियाँ हैं, मैं अपनी बेटी के मुताबिक बात करना चाहती थी. मेरी बड़ी बेटी जो है मेरी वो 12-13 साल की है और उसके साथ ये मसला चल रहा है कि उसके माथे पे बहुत सारे दाने से निकल आए छोटे छोटे, उसमें ना कोई पेन है और ना कोई उसको खारिश वगैरह है, कुछ इतना कोई मसला है नहीं, मगर ये के दाने काफी सारे माथे के ऊपर अच्छे खासे रेड रंग के. रेड है?
थोड़ा सा रेडिश भी है, थोड़ा सा ब्लैकिश भी है, कुछ इस तरीके से ब्लैकिश भी है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक, बिल्कुल लाइट जैसे आउटलाइन नहीं होती है, अच्छा रेस्ड उसके जो कॉर्नर्स हैं, ओके ठीक है। और दूसरी जो बेटी है मेरी, आपने चेक नहीं कराया इनको अपनी इस बेटी को? हाँ मगर ये कि उन्होंने अभी कोई ऐसा जवाब दिया नहीं, अब ये कि दोबारा दिखाना पड़ेगा उनको सही तरीके से स्किल स्पेशलिस्ट को। अच्छा मेरी जो दूसरी बेटी है उनके साथ थोड़ा सा मसला ये कि उनके भी माथे पे वाइट से एकदम धब्बे से हैं, और वो पहले छोटे से थे नाक के पास, उसके बाद फिर उसके थोड़ा सा बढ़ के जो है ना पल आईब्रो तक आ गए। तो और दूसरा ये कि उनके दांत काफी रफ हुए हैं, जैसे व्हाइट और येलो सा होता है शेड उनका ना, जैसे चमकते हुए दांत होते हैं वो चीज नहीं है, रफ दांत है, रफ है। और ये हाँ जी जैसे येलो 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 ठीक है ठीक है। हाँ हाँ उनको ये मैं पूछना चाह रही थी कि उनको सर में भी बहुत ज्यादा शरीर दर्द, वो जब ठीक है, ये मल्टीपल इश्यूज हैं, कोई एक इशू नहीं लग रहा मुझको, आप सब रिलेट नहीं कर सकते इन सब बातों को। ठीक है आप बता रही कि उनके माथे पे इस तरह के बहुत सारे आ गए हैं, वो जाते नहीं है, खत्म नहीं होते वो? नहीं काफी दिन पहले तो थोड़े से थे, अभी मुझे ज्यादा बढ़ गए हैं, थोड़े से बड़े हुए लग रहे हैं और बिल्कुल हल्के, उनको कोई उसमें ना खारिश है ना कुछ है, मगर धब्बे धब्बे से आईब्रो तक आए हैं ना उसके। तो ठीक है कौन सी वाइटामिन मैं इस्तेमाल करूँ या कौन सी तरीके से डाइट उनको ताकि के लिए प्रॉपर डाइट का पता चल जाए। अच्छा मुझे बताएं कि वो अपनी फेस की हाइजीन का मुंह धोती हैं, अच्छे से धोती है, धो के रखती हैं, किस तरह का टॉवल यूज करती हैं? क्या क्या टॉवल तो इसका अलग ही है, ठीक है वगैरह वो धोती है, रोजाना नहाती भी है, सेफ गार्ड वगैरह इस्तेमाल करवा देती हूं। अच्छा चलिए ठीक है, हम आपको ऑनलाइन आंसर देते हैं। ठीक है जी थैंक यू सो मच मैम। ये पहले आप वो बताइए कि क्या कोई ये किसी विटामिंस की डेफिशिएंसी से ऐसे धब्बे पड़ते हैं? ये जैसे ये कह रही हैं कि स्किन पे स्पॉटिंग हो रही है, प्लस ये बोन मतलब टीथ भी हैं जो इनके थोड़े से ऐसे येलोइश से हो रहे हैं, तो पॉसिबल है कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बॉडी में, ये एक कॉज हो सकता है जिसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब ना हो, तो यही एक अब जो टीथ बन गए इस तरह वो तो बन गए हैं, वो बन गए ये छोटी वाली बेटी की एक्जेक्टली बात कर रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कैल्शियम ले रहे हैं, प्लस समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्सेस में भी लोग ले रहे होते हैं, ठीक है तो वही बात है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन डी, ठीक है जो हम मुसलसल बात करे चले जा रहे हैं कैल्शियम एंड विटामिन डी, कैल्शियम एंड विटामिन डी। प्लस ये कह रही हैं स्किन पे जो है ये पिम्पल्स सॉर्ट ऑफ आ रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि विटामिन ई की डिफिसिट हो रही हो, ये पॉसिबिलिटी कि इसे एलर्जी होगी जो और ये जो वाइट स्पॉट उनके यहाँ से शुरू हो रहे थे और अब आईब्रो तक आ गए हैं, ये विटामिन ई ही इसको मतलब इसका ही कॉज लग रहा है कि विटामिन ई कहीं पे लैक आ रहा है। बच्चों में विटामिन ई इतना कैसे लैक हो सकता है? आ सकता है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, जब ऐसा पॉसिबल है कि इनको बाय बर्थ ही इसको ये बच्ची को मिला हो, क्योंकि यूजली हम जब न्यू बॉर्न्स को देखते हैं तो उनके में भी ये चीज़ डेवलप हुई भी होती है, तो ये दो ही इसके फैक्टर्स दिख रहे हैं। और ये कह रही है डाइट प्लान पूरा प्रॉपर, तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा डाइट पूरी प्रॉपरली मैं इनको बताऊं, तो ये है कि हेल्दी डाइट लें, सैलड्स का इस्तेमाल करें, यूजली बच्चों को हम लोग नहीं इस तरफ ला रहे होते हैं, सैलड्स का इस्तेमाल करें, अंडे का इस्तेमाल करें, तो विटामिन ई लेसिथिन उसी से हमें मिल जाएगा। क्या बच्चों को इस तरह मिलता है विटामिन की सर सिर्फ दे सकते हैं अगर हमें लग रहा है उनमें डेफिशिएंसी आ रही है? देखें मैं इसका थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दूंगा, फिर सर का कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दीजिए सर। देखिए इन्होंने बात की अपनी बच्चियों की, सबसे पहले बच्ची आ जाती है बड़ी वाली जिसकी एज तकरीबन 12 से 13 साल की है, आमतौर पे प्यूबर्टी पे जा रही होती बच्ची, तो ये दाने देखे तो है नहीं, मगर एक चांस हो सकता है एक्नी भी हो सकती है इसको, एक चीज। दूसरी चीज कॉस्मेटिक का भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सी बच्चियां जो हैं वो कुछ इस तरह के फेस पे चीज़ें इस्तेमाल कर रही होती हैं जिससे एलर्जी हो जाती है, उससे भी दाने हो सकते हैं। तीसरी चीज़ आजकल पर एलर्जी वाले दानों पे तो खुजली बात होती नहीं, है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एलर्जी बिनाइन भी तो होता है ना, मतलब ज़रूरी नहीं कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। अच्छा उसके अलावा सोप के ऊपर होता है, ये कौन सा सोप या डिटर्जेंट इस्तेमाल करें, किस किस्म के इस्तेमाल कर रही हैं, फेस के ऊपर क्या अप्लाई कर रही हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है कि स्किन रिएक्शन हों जिसकी वजह से ये दाने डेवलप हो रहे हों।
बॉयल्स भी हो सकते हैं, मगर बॉयल बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन का होगा। और आमतौर पर विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से इस तरह के दाने नहीं होते, अंडरलाइंग कॉज कुछ और हो सकता है। एक चीज़, हाइजीन का ख्याल रखें, बच्ची को प्रॉपर दिन में 2 से 3 दफ़ा चेहरे को अच्छी तरह से साफ करवाएं, और नॉर्मल सोप से, नॉर्मल सोप से करें, और नीम गर्म पानी से चेहरे को ज़रूर उसे वॉश करती रहेंगी। अच्छा, ये तो हो गई बच्ची की बड़ी वाली की। दूसरी बच्ची आगे जिस पर इन्होंने बताया कि वाइट पैचेस से पड़ गए, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नो डाउट टीथ से अगर हम लोग चल जाते हैं तो कैल्शियम की डिपोजिशन जो है कम हो सकती है, या फॉस्फोरस वो ज़्यादा बेहतर आप बता सकती हैं, उसकी वजह से हो सकती है। फ्लोरोसिस भी अक्सर इस सिचुएशंस में, जो हम कहते हैं ना फ्लोरोसिस हुआ है बच्चों के दांत पे, तो इसी तरह की प्रेजेंटेशन होती है। बिल्कुल प्रेजेंटेशन होगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, भी है, मगर जो व्हाइट पैचेस इन्होंने बताया जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, तो ये फंगस हो सकता है, तो एंटी फंगल थेरेपी भी इस बच्चे की कराएं तो हो सकता है इससे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके भी आने का और आपके कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स का, एंड मैम आपके भी आने का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारा विटामिन का जो आई थिंक काफी कुछ रह गया बात करने को, लेकिन सेगमेंट का टाइम जो है ख़त्म होता जा रहा है, और ब्रेक के बाद हम अपने बेस्ट 5 में हमारे पास होंगी साइमा खान, कहीं मैं जाएगा, विल बी राइट बैक।